ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगल में लगी आग का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जंगलों में पिछले साल सितंबर में लगी आग ने अब बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया है। आग के कारण दर्जनों लोगों की मौत ही नहीं बल्कि लगभग 50 करोड़ जानवर और पक्षियों ने भी दम तोड़ दिया है। जानवरों की मौत का आंकड़ा अब 50 करोड़ तक पहुंच गया है और अनुमान के मुताबिक अभी और भी बढ़ सकता है। इस आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है जिसका आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। इस आग के कारण कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ऑस्ट्रेलिया में इस साल का यह सबसे गर्म और सूखा सीजन है। यहाँ बीते महीने पारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह आग ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के तटीय इलाकों में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। आग की वजह से सिडनी में वायु गुणवत्ता का स्तर भी खतरनाक से 11 गुना ज़्यादा है। आग की वजह से 50 करोड़ से अधिक पशुओं, पक्षियों और सरीसृप यानी की जमीन पर रेंगने वाले जीवों की मौत हो गई है। जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि इस भीषण आग में 8000 कोआला भालू की मौत हो चुकी है और न्यू साउथ वेल्स में 30% तक की जातियां खत्म हो गई है। आग के कारण 30% घर भी नष्ट हो गए हैं। सिर्फ उत्तरी सिडनी के जंगलों में लगी आग की वजह से हजारों कोआला जानवर आग में जलकर खाक हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांतों में जंगलों में लगी आग के कारण वहां आपात की घोषणा कर दी है और लोगों को वहां से सुरक्षित निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 13 जनवरी से शुरू होने वाली अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार को रद्द कर दी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर मॉरिसन 13 से 16 जनवरी के बीच भारत की यात्रा पर आने वाले थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि हमारे देश में इस वक्त भीषण आग फैली हुई है और देश के जंगल में लगी आग से देश संकट में जूझ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में हमारी सरकार का पूरा ध्यान ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मदद करने पर केंद्रित है। कई लोग फिलहाल आग के खतरे का सामना कर रहे हैं और कई लोग इससे उबर चुके हैं। वहीं इस भयानक आग ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में तेज हवाओं के कारण आग फैल गई थी। लबरन विश्वविद्यालय से जुड़े और ईंधन मौसम एवं भौगोलिक परिस्थितियों के वास्तविक चित्रणों का प्रयोग कर जंगलों की आग की संरचना एवं प्रकृति का अध्ययन करने वाले ट्रेंट पेनहम ने कहा कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के इन इलाकों में बारिश होती है जहां आग लगी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मौसम में हो रहे बदलावों की वजह से ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट गर्म हो गया है, इससे उसके आग की चपेट में आने का जोखिम बढ़ गया है। भयानक आग के लिए ये स्थितियाँ अनुकूल होती है जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस यानी कि RFS ने आग को लेकर चेतावनी दी है। RFS ने सोशल मीडिया पर कहा कि जंगलों में लगी आग ने नावरा के पास उत्तरी किनारे पर खुद की मौसम प्रणाली विकसित कर ली है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि वो अपने आसपास के हालात पर ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत में जंगलों में लगी आग को देखते हुए आपात स्थिति घोषित करते हुए सड़कों को बंद कर दिया है। RFP ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। बता दें कि सोमवार को RFP के कर्मचारी की आग बुझाते समय मौत हो गई थी। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य सिडनी में विद्युत संकट सामने आ गया है। स्पेशल डेस्क BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।